नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज ए प्राइम नंबर, सो देयर आर थ्री प्राइम नंबर, राइट। तो p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड वी आर अगेन गेटिंग प्राइम नंबर, राइट। सो व्हाट आर दोस थ्री नंबर, थ्री नंबर्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर सम इज लेस देन 23, सो 23 से कम होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब नंबर भी 23 से कम ही होंगे, राइट। तो 23 से कम वाले प्राइम नंबर हम लिख लेंगे एक बार, राइट। 7 हो जाएगा 11, 13, 17, 19, राइट। 23 से कम लिखना है तो 23 को हम एज्यूम नहीं करेंगे, राइट। अब इसमें क्या क्या पेयर बन सकते हैं, राइट। अब इसमें अगर हम 2 और 3 को ले सकते हैं, 5 में 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 18 बनेगा, 5 को ऐड करेंगे 17, और 5 को ऐड करेंगे तो 22 बनेगा। तो 2 3 से तो नहीं बनेगा, राइट। अब देखते हैं 2 और 5 से कोई बन रहा है क्या, ये 7 हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 7 ऐड करेंगे 13 में तो ये 20 हो जाएगा, 13 प्लस 7, राइट। 5 2 5 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अभी, और ये से ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, राइट। अब 2 और 7 को लेते हैं, तो ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, राइट। सो 11 के साथ बनेगा कॉम्बिनेशन, 11 के साथ बनाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 13 के साथ 9 को करेंगे तो 22 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। 2 और 11 को करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 के साथ अगर हम बनाएंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अब 3 वाले पेयर से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो 3 और 5 ये 8 हो रहा है, राइट। 7 और 8 करेंगे तो 15 हो जाएगा, राइट। ये 5 और 3 8, 11 प्लस 8, तो वन पेयर तो ये आ गया 3 5 और 11, राइट। तो यहाँ पे देखो थोड़ी मेहनत है क्योंकि आपको ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे, राइट। तो एग्जाम में ये बनाने में तो बहुत टाइम जाएगा और लगेगा कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये बात सही है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको थोड़ी देना चाहिए, राइट। और 13 प्लस 8 करेंगे अगर हम 21 आएगा, 17 प्लस 8 करेंगे तो 23 से ऊपर चला जाएगा, राइट। अब 3 और 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 प्लस 7 10, 11 21 आ गया, और इसमें ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 से कम आना चाहिए अपने पास वैल्यू, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और 3 ये 11 लेंगे उसके साथ करेंगे तो और सारे पेयर जो बनेंगे वो ज़्यादा वैल्यू के बनेंगे। अगर 5 और 7 को लेते हैं 12, 12 प्लस 11 तो ये 23 बनेगा, राइट। पर हमें 23 से कम चाहिए वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पेयर बन रहा है 3 5 और 11, राइट। तो फर्स्ट से तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू उतनी होगी। और सेकेंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द नंबर इज 5, अगर सिर्फ सेकेंड को एज्यूम करें कि एक नंबर 5 है तो अदर नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से वी कैन नॉट फाइंड, तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। क्योंकि हमें एक पेयर मिल गया, राइट, 3 5 और 11 का एक पेयर मिल गया, ओके। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। पर इसमें अगर आप एज्यूम करोगे कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 5 होगा कि 11 होगा या 3 होगा, राइट, तो यूनिकली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वैल्यूज को, राइट।